पश्चिम बंगाल दौरे से लौटे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी जिलों में पुलिस के जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अभी तक 1,850 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं कई पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी गंवाई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के तहत अभी तक अलग अलग शहरों में करीब 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनकी कालाबाजारी न हो, इसके लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि घर के अंदर बैठकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना और ट्वीट करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन में उतरकर काम करना असली काम होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता और अन्य अनुशांगिक संगठन पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता इस पूरे संक्रमण के दौरान कहीं भी नजर नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना ही उनकी आदत बन गई है। आज संपूर्ण प्रदेश की डीजीपी साहब के साथ में डीजीपी डीजी जेल, इसके हमारे जो जवान सभी जेलों के अंदर 24 घंटे जो मुस्तैदी के साथ इस आपदा के समय, विपत्ति के समय, संक्रमण के समय ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी समीक्षा की। क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक जो काम कर रहे हैं उसमें खुद वो 1,850 से अधिक लोग SAF के, होमगार्ड के, पुलिस के ये संक्रमित हो गए। हमारे जवान अधिकारी काल कबलित भी हुए। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेल करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के अभी तक 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। इंदौर और भोपाल में तो रासुका की कार्रवाई को प्रचलन में ले आए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकी के केसों पर भी जो जबलपुर, रतलाम, इंदौर में दर्ज हुए उन पर भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजी नहीं हो, कालाबाजारी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स भी बनाया है। सबको अलग से निर्देश भी दिए कि बारीक नज़र इस तरह के अपराधियों पर रखी जाए। जो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है उस पर कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। इसलिए सावधान और चैतन्य हो जाए वो सारे के सारे अपराधी जो इस तरह के अपराध की दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्विटर पे और फेसबुक पे सक्रिय है, वो आलोचना करने में सक्रिय है, क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुसांगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें, भाई इतनी सी बात नहीं समझ रहे कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नजरिए और चश्मे से न देखें, आओ मिलजुल के काम करें। काम करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, पीड़ादायी है।